वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, डिस्कशन जारी है, स्टेटस कॉन्शियस है या नहीं है, ब्रांड कॉन्शियस होना कितना सही है कितना गलत है, और ये तमाम तर बातों का निचोड़ यही निकला है कि ये गलत है। अच्छा, हम अब थोड़ा मीडिया की बात कर रहे थे, हम ड्रामास देखें, अपनी मूवीज देखें, हम शोज देखें इस तरह के जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, आपको कहा जाता है ये कपड़े हैं ये जोड़े हैं, मतलब आम बंदा कहाँ अफोर्ड करता है, उसके पास तो ज़िंदगी के और बड़े गम है, उसने कपड़े जूते क्या देखने हैं। बिल्कुल सही बात है, मेरा ख्याल में हमारे जो ड्रामास की मॉर्निंग शोज की कॉनोटेशंस हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि हम आम पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं। हम आम पब्लिक को थोड़ा प्रैक्टिकल मैसेज अगर देना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल में काफ़ी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और जो मॉर्निंग शोज़ मैं बहुत देखती नहीं हूँ, लेकिन यह कि जब कभी देखती हूँ तो वो कोई शादी के दिखा रहे होते हैं कपड़े और वो उस टाइप की चीज़ें, तो मतलब यह कि वो मुझे कोई इतना ज़्यादा वो उसमें समझ नहीं आती कि लोग, मेरे ख्याल में रेटिंग आती है, लोग देखते हैं मेरे ख्याल में वो देख के भी खुश हो जाते हैं, कुछ उसको फॉलो भी करते हैं, कुछ उदास हो जाते हैं, कुछ लोग मूड उनके बेचारों के हमेशा रहते हैं कि दे कैन नॉट अफोर्ड इट। हां, अफोर्ड करने वाली बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स। और दूसरी बात यह कि आप ये चीजें दिखाएं, लेकिन रोज रोज ये चीजें ना दिखाएं, आप कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी ऐड करें ना, आप लोगों को बताया था क्या ट्रेंड से, जैसे शादियों के वो दिखा रहे होते हैं बड़े बड़े लहंगे और इस तरह, वो पेरेंट्स के लिए अजाब बनती हैं बातें, क्योंकि बच्चियां जो होती हैं वो जिन अगर जिनकी शादियां होनी तो वो शौक से देखती हैं कि हम ये पहनेंगे और इस तरह पहनेंगे ये कलर, तो वो फिर पेरेंट्स को प्रेशराइज करती हैं कि जी मुझे तो यही पहनना है वरना मैंने पहनना ही नहीं है, मतलब वरना मैंने ये शादी में, फिर लड़की होती है उसकी ख्वाहिशात माँ बाप पूरा करना चाहते हैं क्योंकि उसकी शादी हो रही होती है, तो ये माँ बाप सादगी की तलकीन करनी चाहिए। अच्छा, मुझे याद है हमारी क्लास से होती थी और वो बेचारी अपनी पॉकेट में नहीं बचाती थी रोज कुछ ना कुछ, मैंने पूछा क्या कर रही हो, मतलब क्यों इतनी सेविंग तुम करती हो, क्योंकि मैंने ना अपनी शादी का लहंगा देखा था फलाने डिजाइनर से तो मैंने वो डिजाइनर से लहंगा लेना है, मैंने कहा भाई अभी तुम्हारी शादी का पता पता नहीं, तुम अभी से नहीं, अच्छा अंत ना डिजाइनर बात यह की क्वालिटी भी नहीं है, कई डिजाइनर्स की कोई क्वालिटी नहीं है, और थोड़ी सी मेरी एस्थेटिक सेंस है, मैं किसी टाइम डिजाइनर्स का देखती हूँ और आम चीज देखती हूँ तो मुझे हार्डली, बल्कि वो आम में कई दफा कपड़ा अच्छा होता है डिजाइनर में सिर्फ बिकॉज कि उसका नाम एक्स वाई जी का, तो वो नाम बिक रहा है, इट्स नॉट द क्वालिटी, इट्स नॉट के वो बहुत खूबसूरत है, कई दफा बिल्कुल चीज ऑर्डिनरी है, सिर्फ नाम की वजह से उसने अपनी इतनी जो है वो की हुई है। तो मेरे ख्याल में जो पढ़ी लिखी क्लास है, जो लोग प्रैक्टिकल हैं, जो लोग और चीजों में, मेरा ख्याल में एनर्जीज और चीजों में भी इन्वेस्ट करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से जो मिडिल क्लास है या लो मिडिल में आते हैं उनके पास जिंदगी और बड़ी टेंशनें होती हैं, घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादियां करनी है, वो कहीं इन सब चीजों से बालातर होते हैं, ये एक स्पेसिफिक मगर वो देखते हैं, दे आर द व्यूअर्स ऑफ दीज शोज, मतलब बिकॉज़ वो नीड ग्रेटिफिकेशन हो रही होती है ना उनकी भी, बात के अंदर कहीं ना कहीं आप डिसार्ट हो रहे होते हैं, मेरे जैसी बंदी देखकर कभी कभी सोचती होती है कौन लोग पहनते होंगे और कौन अफोर्ड कर सकते होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं। आप लोग अपने घरों में अपने बच्चों को किस तरह से करते हैं, फातिमा आपसे जानना। मैं अपने बच्चे को जो उसको पॉकेट मनी देती हूँ, मैं पहले उसको ये कहती हूँ कि इसमें से ही आपने कुछ अपने पेरेंट्स पे खर्चना है और इसमें आपने किसी को, किसी गरीब को ना इसकी हेल्प करनी है, बेशक मुझे ना बताओ लेकिन कुछ परसेंट आपने इसकी हेल्प करनी है, ताकि बच्चे को डेवलप होती है कि मेरे पास जब भी पैसे आने हैं मैंने अपने पेरेंट्स पे भी खर्च करने हैं, अपने रिश्तेदारों पे भी करने हैं और कुछ गरीब मस्की, ये छोटी छोटी चीजें जो बच्चों को बता सकते, बिल्कुल ये बताने चाहिए, तो उस पर अमल करते हैं बच्चे, समटाइम्स करते हैं समटाइम्स नहीं भी करते। डॉक्टर आफ, हाँ जी, अर्मला यू नो मी फॉर द पास्ट मेनी इयर्स, तो मेरा आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, मेरी लाइफ की हायरार्की में ये ब्रांड्स बहुत पीछे कहीं चले गए हैं और पहले भी नहीं थे, बिकॉज हमारी ब्रॉट अप बड़ी प्रैक्टिकल हुई फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, और फिर वो एक फोकस था पढ़ाई पे और उस तरह की अचीवमेंट पे फोकस रहा, कपड़ों पे उस तरह और इन चीजों के ऊपर, तो ठीक है आई लाइक टू वेयर गुड क्लोथ्स, अच्छी चीजें सबको पसंद है, बट नॉट टू द एक्सटेंड कि आई वुड वेस्ट माय टाइम, और वो जो खड़ी होती हैं, आई हैव सीन पीपल जो कि रात को खड़ी होती हैं कि सुबह वो कोई सेल होनी है, और अब तो मैं उस दिन देख रही थी कि कुछ लोग प्री बुकिंग भी अपने कपड़ों की, मैंने लोगों को लड़ते वो देखा, हाँ लड़ाइयां, और एक दफा मैं गलती से चली भी गई कि जी सेल है और एक ब्रांड बड़ा था उसके अंदर, तो इतनी औरतों की लड़ाइयां हो रही, तो मैं जाके मैंने वीडियो बनाई उसको आके ह्यूमन बिहेवियर
बिहेवियर को देखने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है, कपड़ों पे लड़ रही है और बहुत बुरी तरह लड़ रही है और कितना वो भरा हुआ था वो ब्रांड एक्स वाई जेड जो भी ब्रांड था बड़ा, तो वो मैं बड़ी हैरान की मैंने कहा कौन है जो इतनी देर टाइम वेस्ट करेगा, आई वुड नेवर गो एंड स्टैंड इन लाइन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, 12 बजे आमा खड़ी हो जाती है जाके। सो मेरा ख्याल में पब्लिक को थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, ठीक है। एक दिन मैं भी बताना चाहती हूँ, एक दिन मैं सुबह सुबह कहीं से आ रही थी, मैंने देखा जहाँ मैं रहती हूँ कि इतना रश, इतना मैं कहूँ आज सुबह सुबह क्या है, इतनी दुनिया कैसे उठ के मार्केट में, तो वो जो ये बता रही ना किसी ब्रांड पे सेल लगी हुई थी, मैंने सोचा चलो मैं उठ तो गई हूँ मैं भी देख लेती हूँ, जो मैंने देखा वहाँ इतनी लंबी लाइन पेमेंट, बस इस लंबी लाइन में लगने से बेहतर है कि आप ना ऐसे कपड़े पहने जो आप ऑनलाइन मंगा लें या आप घर में ना किसी आराम से शॉपिंग करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राफ्ता, थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत शुक्रिया जनाब। स्टेटस कॉन्शियस होना, ब्रांड कॉन्शियस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको अपने हवासों पर सवार कर लेना ये एक ज्यादती वाली बात है। आपसे इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी कल, हमें इजाजत दीजिए, फेसबुक पर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, जागो लाहौर के नाम से पेज है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।